हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाजियाबाद एक्सपेरिमेंट। में तो आज हम जा रहे हैं बाइक की टेपिंग करवाने के लिए, मतलब कि मेरे दोस्तों ने अभी नई बाइक ली है, हीरो स्प्लेंडर, तो उसी की हम टेपिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी वो रोड पे मेरा वेट कर रहा है, तो मैं निकलता हूँ जल्दी से, काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, कॉल भी कर रहा है। तो अभी हम यहाँ से बस अड्डे जाएंगे, उसके बाद वो लेके जाएगा, पता नहीं कहाँ पे, मैंने नहीं देखा। चलो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आप चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। तो गाइस फाइनली मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। तो ये है राजा और ये रहा हाईवे और ये है इसकी बाइक जो इसकी अभी हमें टेपिंग करवाने जानी है। तो देख सकते हो बाइक की हालत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल नई निकलवा के लेके आया है बाइक। बाकी देखते हैं तो इसकी बाइक का क्या करवाने जा रहा है भाई। इस पे बाइक होगी टेपिंग। टेपिंग होगी और टेपिंग होगी तो और पहले हमें जाना पड़ेगा जिसके सर्विस सेंटर। हाँ, क्योंकि इसमें एक दो पेंच डलेंगे। हाँ, फिर इसके बाद इसे बस अड्डे ले जाना है टेपिंग। अच्छा, तो इसको अभी हम पहले सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, उसके बाद इसकी टेपिंग होगी। इसमें पेज डलवाना है। पेज कहाँ पे? वो साइलेंसर में डलवाना है, ये यहाँ पे पेज डलवाना है, इसकी वॉशिंग करवानी है। और ये सब वॉशिंग वॉशिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा बाइक बढ़िया बनवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बाइक को, ये है बाइक और ये है राजा। तो चलो मिलते हैं, हम पहले इसके सर्विस सेंटर हम जा रहे हैं। तो बाइक पर हम बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर और इसके में हम पेज डलवा के फिर हम इसे वॉशिंग करवा के इसके अंदर इसके टेपिंग लगवा देंगे। तो चलो मिलते हैं ब्लॉक के अंदर। तो अभी अभी हम जा ही रहे थे कि अभी क्या हुआ कि हमारा ब्लूटूथ गिर गया। तो अभी हमने गाड़ी यहाँ खड़ी की है और यहीं पे हमारा ब्लूटूथ गिर गया था उस जगह पे। तो फाइनली ब्लूटूथ मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर की तरफ। यार आज शनिवार है भाई, आज बंद भाई। ये रही बाइक और हम आ चुके हैं सीधा शोरूम पे, आप देख सकते हो। अब शोरूम पे आने के बाद ये सीन हो गया है कि आज शनिवार है और आज के दिन ये शोरूम है बंद, तो आज हमारा बाइक में पेच नहीं लग पाएगा। और अब देखते हैं, अब बस अड्डे जाएंगे और वहाँ से जाके अब हम उसको वहीं पे ही वॉश करवाएंगे, वहीं पे पेच लगवा के वहीं टेपिंग करवा के घर आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं आपको इसका मेन गेट दिखा देता हूँ, ये भी बंद हुआ पड़ा, देख सकते हो। शनिवार को ये क्लोज है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, ये देखो शनिवार को क्लोज है। ये रहा शोरूम हीरो का, निकलते हैं बस अड्डे की तरफ और वहाँ पर पेच लगवाएंगे, वॉशिंग करवाएंगे, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा और मिलते हैं टेपिंग करवाते हैं। तो अभी हम बैठते हैं बाइक पे, तो अब हम निकल रहे हैं बस अड्डे की तरफ, अब हम निकल रहे हैं। ये मेरठ वाला रोड है, यहाँ पे आपको सारे शोरूम मिल जाएंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली हमने बाइक धुलवा दिया है, आपने जैसे कि वीडियो में देखा, और अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर लेमिनेशन करवाने। तो लेमिनेशन करवाते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर देना। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हम आ चुके हैं शॉप पे, ये सारी लाइन से शॉप है। सो फाइनली गाइस हम लेमिनेशन की दुकान पे पहुँच चुके हैं और हमारी बाइक पे लेमिनेशन हो रहा है। चलो मैं आपको लेमिनेशन दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। अब हम आपको गाड़ी दिखाते हैं लेमिनेशन के बाद दिखती कैसे है।
सिनेमैटिक शॉट्स के बाद जेट ब्लैक ये पहले से गाड़ी आई पड़ी है। आपको भी पता है स्प्लेंडर में नया अपडेट आ चुका है, जो पहले से स्प्लेंडर काफी बढ़िया हो गई है, जो कलरिंग वाइज है, जो आजकल के लड़के सबको जिस हिसाब से मतलब स्प्लेंडर पसंद आती है वैसी अब कंपनी करके दे रही है। और इस गाड़ी को आप देख सकते हो, अभी हमने इसमें लेमिनेशन जस्ट अभी करवा के हम आके फिर हम आपको ये ब्लॉग बना रहे हैं। शाम हो चुकी है तो आप देख सकते हो लेमिनेशन के बाद कितनी प्यारी लग रही है और गाड़ी में कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। लोग कहते हैं कि पन्नी उखड़ी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको शॉप का एड्रेस दे दूंगा, वहां से लेमिनेशन हो जाएगा, आप करवा सकते हो। मैं प्राइस से रिलेटेड सब चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ, पहले आप आ जाओ लेमिनेशन जरा दिखा दो कि कहीं ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई ऐसा पन्नी वन्नी छू। देखो हमने टंकी के ऊपर लेमिनेशन करवाया, आप टंकी के ऊपर देख सकते हो, कहीं से कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। लेमिनेशन बहुत प्यारा हुआ है और ये हमारा बजरंग बली का है और ये लेमिनेशन है गाड़ी पे, आप देख सकते हो कहीं से कुछ भी नहीं है। हमने जो जो चीज़ हमने इसमें चेंजेस करवाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें चेंजेस हमने ये करवाया, इसका जो हमने ये चीज़ है जो कंपनी का आता है हीरो कंपनी का, उसे हमने हटा के हमने ये लगाया, ये दोनों और ये मतलब चारों का सेट है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये चारों का सेट हमें 110 रुपये का पड़ा है। वो 150 रुपये का रहा था लेकिन हमने 110 रुपये हमने खर्च कर दिया। और उसके बाद इसकी पन्नी की बात है तो सबसे पहले लेमिनेशन करवाने से पहले हमने इसकी वॉशिंग करवाई है, 50 रुपये में इसकी वॉशिंग हो गई है। वॉशिंग करवाने के बाद इसकी लेमिनेशन हुई है जो कम से कम 600 रुपये की लेमिनेशन हुआ। जी हाँ गाइस, वैसे तो 800 रुपये मांग रहा था, हमने उसे कम करवा के हमने इसे 600 रुपये लेमिनेशन इसका करवाया है। और हमने ये बोला है कि 2 दिन तक गाड़ी धूप में नहीं होनी चाहिए, तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप स्प्लेंडर या फिर कोई अदर बाइक पे लेमिनेशन करवाते हो तो आप प्लीज़ इसको 2 दिन तक धूप में ना रखो और गाड़ी देखो फर्स्ट क्लास है अपनी हीरो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।